अभी तो अखबार में पढ़ रहे हैं, खबरें आ रही है मीडिया के अंदर, हकीकत क्या मुझे मालूम नहीं है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या राय है? तो इसलिए हम पता कर रहे हैं। बाकी आप जानते हो ईडी का काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का, तो वो हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि आज जो जिस प्रकार से हाथी का मतलब चुनाव आ गया राज्य का, चुनाव रहे, तो ये जो जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव में काम करे वो उचित नहीं है। वैसे मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जो कर रहा है भ्रष्ट है, बेईमानी कर रहा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हम स्वागत करेंगे, हमारी सरकार स्वागत करेगी। पर आप अगर तंग करने के लिए ऊपर के दबाव से आप टारगेट बनाते हो, चाहे चुनाव आते हैं घुस जाते हो। अरे इससे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भोपाल के अंदर अजीत पवार एनसीपी करप्शन के बारे में 80,000 करोड़ का करप्शन हो गया, दो दिन के बाद में उनको ले लिया आपने सरकार के अंदर, वो अजीत पवार जी को बना दिया आपने वित्त मंत्री बना दिया आपने, तुकमा लगा दिया प्रधानमंत्री बोलने के बाद में। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है बीजेपी के लिए।